अगस्त 2015 वहां समय था जब नीमच के वकीलों ने एकता की मिसाल पेश की थी। अपने मनासा निवासी वकील साथी सुनील यजुर्वेदी के पुत्र शुभम यजुर्वेदी पर दर्ज हुए प्रकरण को लेकर लगातार 12 दिन तक वकील कार्य से विरत रहे। लगातार 12वें दिन तक चली हड़ताल ने प्रदेश ही नहीं देश में भी सुर्खियां बटोरी। मामले में अब न्यायालय का फैसला आ चुका है, जिसमें आरोपी शुभम यजुर्वेदी को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया। हमने अधिवक्ता मनीष जोशी से जाना क्या रहा प्रकरण में। मनीष जोशी जी, आपने एक मामले को जो है आपने अभी फेस करा है न्यायालय के अंदर, शुभम यजुर्वेदी मामला काफी जो है चर्चाओं में रहा था। 15 दिन तक वकीलों ने एक लंबी जद्दोजहद करी थी नीमच में। क्या था मामला और किस नतीजे पर जो है न्यायालय ने पहुंचे और किस तरह से इस मामले का फैसला हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। मामला ये था कि मनासा की एक छात्रा के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि शुभम यजुर्वेदी जो हमारे एक वकील साथी के बेटे हैं, सुनील यजुर्वेदी जी के बेटे, और उनके एक मित्र थे आयुष मारू, उन देवरों के खिलाफ उनकी सहपाठी जो बालिका थी उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आयुष मारू उसे जबरदस्ती फेक आईडी बनाने की धमकी देकर जबरदस्ती फवारा चौक से अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया और हाईवे पे ले जाके उसने उसके साथ मारपीट करी, छेड़छाड़ करी। इवन उसने आगे जाके ये तक कहा कि उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करी और वहाँ पर शुभम यजुर्वेदी भी मौजूद थे। कुल मिला के उसकी ये रिपोर्ट थी और उस पर से जो है तत्कालीन उस समय जो पुलिस प्रशासन था उस पर से उनने विभिन्न धाराओं में जो है दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था। और यदि आपको याद हो तो चूंकि शुभम यजुर्वेदी जो है वो एक एडवोकेट के सुपुत्र थे तो उसको लेके पूरी जो हमारी एडवोकेट्स हैं नीमच जिले के वो और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गया था। और नीमच जिले का वो इतिहास रहा वो केस की पूरे नीमच जिले में लगातार 15 दिन तक अभिभाषकों ने हड़ताल करी थी कि शुभम यजुर्वेदी को इसमें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है, बावजूद उसके पुलिस ने कोई जांच नहीं करी और उसको आरोपी बनाया। बहरहाल बाद में शुभम यजुर्वेदी को अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तत्कालीन विधि सक्सेना ने अग्रिम जमानत प्रदान करी थी। तत्पश्चात चालान प्रस्तुत हुआ और चालान में भी पुलिस की ये विफलता रही कि जो चालान जिन धाराओं में पेश हुआ था वो उस हिसाब से सेशन ट्रायल था, लेकिन जब सेशन में मामला कमिट होके गया तो तत्कालीन सेशन जज ने उसको उसमें से कुछ धाराएं कम करके उसे वापस जेएमएफसी को रिवर्ट किया। वहाँ पूरी केस में ट्रायल चली और अभी विगत दिनों जो ट्रायल कोर्ट थी जो हमारे माननीय जज साहब थे आदरणीय पारिक साहब, उनने उन दोनों को दोषमुक्त किया और माननीय न्यायालय ने ये पाया कि पुलिस ने चूंकि वकीलों के साथ इस केस में विवाद हुआ था तो पुलिस ने सिर्फ अपने अहम की संतुष्टि के लिए जो है मनचाहा अनुसंधान किया और अनुसंधान जो में जो वो है पूरी तरीके से ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि कहीं से भी ये दोनों बालक दोषी हैं। 15 दिन तक इस मामले में आक्रोश देखा गया था नीमच में और खासतौर पर अधिवक्ताओं में, और पुलिस प्रशासन और अधिवक्तागण जो है आमने सामने एक तरह से आ गए थे। काफी जनता भी उस समय परेशान हुई थी। किस तरह से मतलब क्या इसमें फैक्ट थे और किस तरह से ये फैसला है? फैक्ट ये थे कि निश्चित रूप से शुभम यजुर्वेदी को इसमें गलत रूप से जो है इन्वॉल्व किया गया था और अधिवक्ताओं में यही रोष था। और उसके बाद जब शुभम यजुर्वेदी को आरोपी बनाया गया और शुभम यजुर्वेदी जब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था तो पुलिस के द्वारा ये भी हरकत करी गई कि जो हमारे साथी अधिवक्ता हैं सुनील यजुर्वेदी उनको मकान से घसीट के पुलिस की गाड़ी में बिठा के नीमच सिटी थाने पर जब लाया गया तो वकीलों का आक्रोश और बढ़ गया और उसको लेके हमने 4-0 पे एक सभा करी थी जिसकी भी पुलिस प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी थी। मैंने उसी समय ये बात कही थी कि पुलिस ने ये झूठा केस कायम तो कर दिया है लेकिन जब ये पुलिस और पुलिस के नुमाइंदे जब विटनेस बॉक्स में आएंगे तो ये इनका पसीना रुक नहीं पाएगा और कोर्ट में वही हुआ। क्या कारण था कि पुलिस जो है अधिकारी तात्कालिक रूप से कौन अधिकारी थे और ऐसा क्यों करना चाह रहे थे? कुल मिला के उस समय जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे श्री तरुण नायक उस समय तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे और इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे जो जिनने इस प्रकरण में जांच करी उसमें तत्कालीन थाना प्रभारी वीडी जोशी थे, सोनल सिसोदिया थे, इन लोगों ने वकीलों की कोई बात नहीं सुनी और मनचाहा अनुसंधान किया और उसका नतीजा ये हुआ कि न्यायालय ने उनको दोषमुक्त किया। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन हमारी बात सुन लेता और हम जिन तथ्यों से उनको अवगत करा रहे थे अगर उन तथ्यों पे वो ध्यान देते तो ये प्रकरण पंजीबद्ध ही नहीं होता। एक आखिरी सवाल मनीष जी, ये एक जो है सुनील यजुर्वेदी जी एक अधिवक्ता हैं और उनकी राजनीति में भी पहुंच परख है,
तो ऐसे में क्या ये केस एक बड़े जो है हाउस से था इसलिए ऐसा हो पाया, या एक आम व्यक्ति को भी इस तरह से न्याय मिल जाता है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक वकील के बच्चे या एक राजनीतिक पोच वाले व्यक्ति के, क्योंकि न्यायालय में ये सब नहीं चलता। आपने देखा बड़ी बड़ी राजनीतिक पोच वाले और पुराने मुख्यमंत्री और पुराने कई केंद्रीय मंत्री आज तिहाड़ जेल काट रहे हैं, और न्यायालय के सामने ये सब बोने हैं। उन चीजों से न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झूठी रिपोर्ट थी और वो हमने पूरी तरीके से प्रमाणित करी कि ये रिपोर्ट झूठी है, पुलिस का अनुसंधान झूठा है और पुलिस ने जो भी तथ्य जुटाए वो मनचाहे तौर पे जुटाए और झूठे रूप से जुटाए और पुलिस के बड़े अधिकारियों के इशारे पर जुटाए, और उन सारे हमारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन था उनके विटनेसेस से, पुलिस के विटनेसेस से, हमारी जो एविडेंस थी और हमारी जो बहस थी उससे न्यायालय ने सहमत होकर और हमारी सारी बातों को स्वीकार करते हुए ये पाया कि पुलिस ने मनचाहा अपने मनमाने तौर से अनुसंधान किया और जो प्रॉपर तरीके से जो अनुसंधान होना था वो नहीं किया गया। अपने निमित्त से बात करने के लिए धन्यवाद।